दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है और एक और बड़ी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन ब्रीफ इन शॉर्ट आपसे बात करने वाला हूँ। समझने वाले हैं हम लोग क्या अंतर होता है एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में और अंडर एम्प्लॉयमेंट में। देखिएगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। या फिर अगर आप दिन ब दिन किसी न्यूज़ चैनल से, न्यूज़ डिबेट से, टेलीविज़न पे अगर आप रूबरू हो रहे हैं, फिर भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये टर्म्स हैं क्या, इनके रियल मायने हैं क्या। तो देखिएगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें जो कि रोज़गार होता है, तो रोज़गार दो पार्टीज़ के बीच में करार होता है, हमारे और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं नियोक्ता के बीच में करार होता है कि हम इतना वर्क करेंगे और हमें वो उतना पे करेगा। अब देखिएगा कितना पे करता है, कैसे पे करता है, क्या टर्म्स रूल्स रहते हैं, वो उसके रहते हैं। और यहाँ पे लेबर लॉज बीच में आ जाता है। तो लेबर लॉज के बारे में मैंने लेख लिखा अपनी वेबसाइट पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप लेबर लॉज सेक्शन पे जाके, थ्योरीज के सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। बाद में दोस्तों, इसे आप रोज़गार बोल देंगे, इसे आप एम्प्लॉयमेंट बोल देंगे, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और आप बदले में आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम खाली हैं, हमारे पास वक्त है, हम काम कर सकते हैं। ये बात अलग है कि क्या मेरे पास स्किल है या नहीं है, बशर्ते कि मेरे पास जो मैन फोर्स है वो रेडी है, तैयार है काम करने के लिए। लेकिन काम की उपलब्धता ना होने की वजह से, काम की उपलब्धता आप बोल सकते हैं कि खुद का बिजनेस करने में अगर असक्षम है, ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है, बहुत सारी वजह हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, या फिर उस इंसान का पर्टिकुलर कुछ खुद का विल हो सकता है जो उसको अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति में, बेरोजगारी की परिस्थिति में रखा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति कहीं पे भी उसको जॉब्स मिलने में नाकामयाबी हासिल हो रही है, तो इसको आप यूजली बोल देंगे अनएम्प्लॉयमेंट या बोल देंगे कि आपकी बेरोजगारी का दौर। लेकिन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि आप जॉब में तो चले जाते हैं, लाइक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि छोटी से छोटी पोस्ट में हाई क्वालिफाइड, यहाँ पे हम मैं डिग्री या जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्किल्स की और जो रियल में काबिलियत है। ऐसे काबिल लोग अगर ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उसकी टैलेंट का, उसकी स्किल्स का बखूबी इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ला देते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं बहुत सारी स्किल्स रखता हूँ, एंड अगर जिस डिपार्टमेंट के मैं काम कर रहा हूँ अगर वो मेरे स्किल्स का बखूबी यूज करे, तो डिपार्टमेंट के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो असल में क्या करती है डिपार्टमेंट हमें कमतर पोस्ट पर रखती है, कम सैलरी देती है, और उसको पता भले हो कि हमें कितनी योग्यता है, हमारे पास कितनी स्किल्स हैं, फिर भी वो हमारे स्किल्स का यूटिलाइजेशन ना करें, तो इसे बोल देंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। और आजकल भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आज मैं भी आपके सामने हूँ और जिस जहाँ मैं काम करता हूँ, तो मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हूँ, तो ये परिस्थिति हो जाती है दोस्तों। तो साथ ही साथ इनमें से कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, तो डेंजरस देखिएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट ये भी है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये तो है ही। और इसके अलावा एक और होता है अनएम्प्लॉयबल, कि मतलब आप नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं हैं, आप बेरोजगार किए जाने योग्य नहीं हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं आप, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, बस डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है, और जो इंडस्ट्री की मांग है हम उसे पूरा नहीं कर सकते, तो इसे बोल दिया जाता है। इसी आनंद महिंद्र सर ने बोला था कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं आजकल, तो केवल डिग्री डिप्लोमा के साथ आ रहे हैं, उनके पास कोई योग्यता स्किल नहीं है। तो ये टर्म्स हैं और इनकी मीनिंग्स हैं। अगर हम बात करें तो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड रहता है, जो प्राइवेट सेक्टर से रहता है, या फिर जहाँ पे आप हायर किए जाते हैं, तो जनरली क्या किया जाता है कि वो आपकी स्किल्स को परख लेते हैं, जो प्राइवेट संस्थाएँ रहती हैं, और आपकी स्किल्स का वो भरपूर उपयोग करते हैं। और यही जो जितनी भी टेक कंपनीज हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्राइवेट जितने भी कंपनीज हैं, वो बेसिकली यही करती हैं कि वो छोटे से छोटे तबके में भी अगर एम्प्लॉई है, अगर उसके पास योग्यता है, तो उसको आगे बढ़ने का, ऊपर आने का, उसकी स्किल्स को पूरी तरह से यूज करने का वो पूरा मौका देते हैं। साथ ही साथ उसका जो पे है, जो उसका इंसेंटिव्स है, वो भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के देते हैं। तो यही मेन वजह है कि आज जो
प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स हावी हुए जा रहे हैं हर एक फील्ड में, तो यही सबसे बड़ी वजह है।